विक्रम शिखर वोल्टेज पीक इनवर्स वोल्टेज मान होता है ये धनात्मक साइड का शिखर मान है और ये अगर मुझे वोल्टता का या धारा का शिखर मान रही है तो मैंने धारा का मान निकाला था। शिखर मान होता क्या है जो आपका फलन होता है जैसे यहाँ पर किसका फलन है इनके जस्ट बगल वाला जो मान होता है उसको बोलते हैं शिखर मान। अगर मुझे धारा का शिखर मान चाहिए समीकरण में तो धारा का शिखर मान है आई है, वोल्टता का चाहिए वोल्टता का शिखर मान है ई है। अब मुझे यहाँ शिखर मान किसका निकालना है वोल्टता का, अगर वोल्टता का निकालना है तो ये शिखर मान है। अब इसमें क्या बोला है विक्रम शिखर वोल्टता, विक्रम का मतलब होता है आपका डायोड फर्स्ट वाइज होना चाहिए। फर्स्ट कब होता है जब धारा नहीं जाती, जब धारा नहीं जाती तब फर्स्ट वाइज हो जाता है उसका शिखर मान चाहिए, और धारा कम नहीं जाती है ऋणात्मक ऋणात्मक वाली साइकिल में धनात्मक में ऋणात्मक में धनात्मक में तो जाती है वो अग्रवाइज हो जाता है और धारा मिल जाती है, लेकिन ऋणात्मक साइकिल जो होती है जिसके अंदर आपकी धारा नहीं जाती वहां पर होगी। यहाँ पर तो ई एम ऋणात्मक होगी या प्लस ई एम है, तो यहाँ पर वोल्टता का मान कितना रहता है ई एम ही रहता है, तो पी आई भी निकालना है कितना होगा या पी आई भी। आगे जब फर्स्ट वाइज होता है, जब डायोड फर्स्ट वाइज होता है उस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं होता, उस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं होता, ईएम के बराबर प्राप्त होती है।
रेखा विक्रम शिखर गुणता EM के बराबर प्राप्त होती है। विक्रम और एक और बोलते प्रतीक, प्रतीक को बोलते शायद प्रतीक शिखर गुणता या विक्रम शिखर गुणता निर्गत वोल्टता हो या निर्गत धारा हो उसको आपका आवर्ती घटक निकालना है। निर्गत जो हमें पता है ऐसी वो मिलता है हमें लोड पर, लोड पर पहुंच गई आपकी धारा पहुंच गई है वोल्टता। मैं धारा की बात करती हूँ, मैं धारा निकालूंगी बाद में वोल्टता निकाल देंगे। निर्गत पर पहुंचने वाली मैं देख रही हूँ कि धारा कितनी पहुंची है। मैंने बताया था जब हम अर्धी तरंग डिस्ट्राई पढ़ते हैं तो उसमें आपको शुद्ध डीसी तो मिलती नहीं है, उसमें एसी भी मिलती है, दोनों मान मिलते हैं। इससे मैंने बोला था इसमें पहुंचने वाला मान क्या होता है, आरएमएस, जिसमें एसी और डीसी दोनों होते हैं। यहाँ पर एसी भी पहुंच रही है, सब में क्या पहुंच रही है डीसी। अब आपको इसमें क्या बोला है, निर्गत वोल्टता या धारा का आवर्ती घटक निकालना है। आपको आवर्ती घटक अलग करना है, आवर्ती घटक मतलब एसी वाली अलग धारा निकालनी और डीसी वाली अलग निकालनी। आरएमएस तो दोनों का मिक्स है। आवर्ती घटक जब निकालते हैं आपकी कोई अपरेटस है उसमें जा रही है धारा, अगर धारा जा रही है और लोड पर धारा मिल रही है तो मतलब मेरी जा रही है आरएमएस, एसी और डीसी जा रही है। अब मैंने बोला उसमें से घटक अलग करिए, घटक तो पता है ना कंपोनेंट होते क्या है। जैसे मैंने ये लिखा फंक्शन ये साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी का घटक क्या होता है, डीज होता है। आपको जो आपकी वो जा रही है तरंग उसमें से एसी के घटक अलग करने और डीसी के घटक अलग कर ले। एक बार एसी घटक अगर अलग होगा तो उसके साथ साइन की वेव आएगी। एसी घटक वो होंगे जिनमें साइन आ रहा होगा, समझे, एसी घटक वो होंगे जिनमें साइन आ रहा होगा और डीसी घटक वो होंगे जिनमें साइन नहीं होगा, वो डीसी घटक हो जाएंगे और बचे हुए एसी घटक हो जाएंगे। अब किसी तरंग में से जब एसी और डीसी को अलग किया जाता है तो पढ़ते हैं हम फूरियर प्रमेय। एक प्रमेय आएगी आपकी दूसरी बुक है मैथमेटिकल एनालिसिस गणितीय विश्लेषण, उसके अंदर चौथी यूनिट है उसके अंदर पढ़ते हैं हम फूरियर प्रमेय। शायद ट्वेल्थ में ना पढ़ा होगा कहीं पर फूरियर प्रमेय का, सुना हो तो, अदरवाइज अब दूसरी बुक में उसमें पढ़ाऊंगी मैं फूरियर प्रमेय। उसके अंदर होता क्या है, फूरियर प्रमेय का यूज क्या करते हैं, वो प्रमेय है जो पढ़ने वाले हो और उसका प्रैक्टिकल वो सिलेबस में नहीं है, प्रैक्टिकल उसका एमएससी में होता है। उसमें क्या होता है, एक एपरेटस होता है, एपरेटस के अंदर तरंग चलती है और तरंग आपको दो नॉब होती है उसे मैनेज करके एसी और डीसी को अलग करते हैं और फिर सिद्ध करते हैं प्रमेय के द्वारा। वो तो प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं और थियोरेटिकली हम प्रमेय करते हैं एसी और डीसी को अलग करने के लिए। अब जब प्रमेय आएगी तब पढ़ाऊंगी, लास्ट इसका तो मैं फाइनल रिजल्ट लिखूंगी यहाँ पर कि क्या आने वाला है, वो पूरी प्रूवमेंट जो है वो उसके अंदर पढ़ेंगे। और पेपर में अगर आता है तो आपको केवल इसका फाइनल लिखना है, इसके अंदर आपको पूरा नहीं करना है, वो प्रमेय करने बैठ जाओ क्योंकि इस बुक के अंदर प्रमेय सॉल्व नहीं करवाई है, प्रमेय जो है वो दूसरी बुक के अंदर है, उस पेपर में आएगी तब सॉल्व करनी है। इस पेपर के अंदर आपको अगर ये पूछता है, पूछता नहीं है वैसे मैं बता दूं, पूछने के लिए इससे पहले वाले पांच टॉपिक बहुत अच्छे अच्छे हैं वो पूछता है, ये दोनों नहीं पूछता है। और बाई चांस मिल भी गया तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है प्रमेय, केवल जो मैं लिखवाऊंगी इसके साथ कि आपकी एसी और डीसी ये मिलने वाली है वो लिख देना खत्म, ये वाला पूरा जो सॉल्व करने वाले हैं वो हम दूसरी बुक के अंदर आएगा, उसमें आता है नाम फोरियर प्रमेय सिद्ध कीजिए, तो आपको पूरी प्रमेय सिद्ध करके लानी है, उससे ये रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, बता दूंगी कैसे अलग होता है। देखो मैं निकाल रही हूँ आई जो आपको किस पर मिल रही है, लोड पर डीसी अलग होगी, आई एम तो चले गए क्योंकि आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी चल रहा है, यहाँ आता है 1/2 प्लस फिर यहाँ पर चलता है आपका 2π साइन ओमेगा टी माइनस मुझे क्योंकि एक मान केवल एसी का डीसी का मिलेगा
फोरियर कॉलेज होती है वो ये बात कभी सीखा देती है, बाकी साइन कॉस कॉस का ग्राफ कैसा होता है होता है साइन से चलता है, साइन से मिलके कॉस का बना होता है, भले साइन निकलो या कॉस निकलो अगर ऐसी वेव आ रही है तो इसका मतलब एसी है, अगर साइन का घटक आ जाए या कॉस का घटक आ जाए तो ये क्या है एसी मिली डीसी कहां से बल, मतलब इतनी कम मिलती है डीसी कि हम बोलते हैं आपने रेक्टिफायर अच्छा नहीं है इसको और सही करने के लिए, फिर हम लगाते हैं फुल वेव, फुल वेव के अंदर क्या होगा लास्ट रिजल्ट देखोगे उसमें दो मिल जाएंगे साइन की चलेगी, ये आप हर किसी में निकालोगे फोरियर में लास्ट में, और लास्ट में जो सही करके देता है कि पूरी तरह डीसी बना देता है वो पता है ऑसिलेटर, जब तक इस फोरियर में को आपके रिजल्ट लिखते जाएंगे जब तक आपका पूरी की पूरी शुद्ध डीसी नहीं मिलती, जब तक ये साइन कॉस के घटक चलते जा रहे हैं श्रेणी के अंदर तो इसका मतलब हमें एसी अभी भी आ रही है उसके अंदर, अगर एसी के घटक सारे घट जाए तो हमें शुद्ध डीसी मिल जाएगी और वो मिलती है हमें ऑसिलेटर के अंदर, इसका वैसे कौन सा बता देती हूँ जनरल थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ होता क्या है इसके अंदर जैसे बोलते हैं घटक ए जीरो ए एन बी एन इन तीनों की वैल्यू निकाली जाती है और इसमें रखी जाती है, ये वैल्यू जो निकलती है वो ए जीरो की ए एन की और बी एन की वैल्यू निकालते हैं सब कुछ कर देते हैं हमें रिजल्ट मिल जाता है, ये होता है जनरल फॉर्मूला फोरियर थ्योरम का, ये जनरल फॉर्मूला है फोरियर थ्योरम का, इसमें ए जीरो ए एन बी एन के लिए हर किसी के लिए अलग अलग निकलेगी, आप अर्धतरंग पढ़ोगे उसके लिए अलग, पूर्णतरंग पढ़ोगे उसके लिए अलग, ट्रांजिस्टर के लिए अलग, ऑसिलेटर के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग निकालते जाओगे इसमें रखते जाओगे और चेक करते जाओगे जब तक ये घटक जीरो नहीं हो जाते तब तक आपको शुद्ध डीसी नहीं मिलेगी, लास्ट में ये लोग ए एन और बी एन की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो हम बोलते हैं हमें शुद्ध डीसी मिल गई, देखिए डायरेक्ट इसकी वैल्यू और औसत मान आर एन एस मान वोल्टर नियमन और क्या किया था रिपल फैक्टर और एक और किया था प्राथमिक यहाँ होता है आपका विद्युत चुंबकीय विरेम पर वोल्ट था जी एस ये पॉइंट था ये आपका या डायोड था प्लस बी एन उसमें एक होता है डायोड और उसमें इतना डिफरेंस होता है प्लस माइनस रोड के सिरों पे क्या मिलता है डिफरेंस इतना है इसमें दो होते हैं जो लोड जुड़ा होता है वो केवल आपका
पहले डीवन डीवन से जो निकले का नाम उसके अंदर वो जुड़ा रहता है और डीवन के अंदर नहीं जुड़ा रहता। देखिए क्या है डीवन है और ये डायोड इसमें से धारा जाएगी आई वन इसमें से धारा जाएगी हमने निकाली थी इनपुट वोल्ट कितना निकाली थी बीपी साइन फिर मैंने इसको ये निकाली थी सेकेंडरी कॉइल की बीएस एन का इनपुट कर दिया था इसको मान लिया था कि ये काम इसमें भी है यहाँ तक यही काम इसमें से जाने वाली धारा कौन सी होती है एसी होती थी एसी होती है तो मतलब मुझे जब बीआर में से जो धारा जाएगी वो बनेगी आपकी एसी ये बन गई थी बीआई अब आ जाएगी बीएस पर बीएस को कौन सी धारा पहुंचेगी एसी इसका भी ग्राफ किसका बनेगा आपका ऊपर वाला जा रहा है अर्धचक्र जाएगा पॉजिटिव वाला जाएगा तो पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलके अगरवाइज हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा प्लस प्लस से जुड़ गया तो ये अगरवाइज हो गया माइनस प्लस से जुड़ गया तो ये अब ये तो काम करेगा नहीं काम कौन करेगा ये यहाँ से धारा निकलेगी इस पर पहुंचेगी और वापस लौट के इसके बाद आ रहेगी काम कौन सी डायोड कर रहा है डी वन अगर डी वन कर रहा है काम तो डी वन से निकलने वाली धारा आपको इस पर मिलेगी आई वन का मान तो मिलेगा लेकिन आई टू का मान क्या मिलेगा जीरो मिलेगी माइनस की बात जब माइनस इस पे जाएगी तो ये तो हो जाएगा फर्स्ट चॉइस अगर प्लस माइनस है तो इधर प्लस होना चाहिए प्लस हो जाएगा तो डायोड डी2 हो जाएगा अदरवाइज अब इसमें से धारा नहीं जाएगी अब धारा जाएगी डी2 से यहां से जाएगी धारा इधर घूमेगी वापस लौट के इसके पास आएगी इसका मतलब डायोड डी2 तो अदरवाइज काम कर रहा है और ये आपका फर्स्ट वाइज काम कर रहा है अब इसमें से जाने वाली धारा क्या तो नहीं मिलेगी अब धारा मिलेगी आपको इस पर आगे फिर क्या होगा आप कौन सी जाएगी तो ये प्लस ये माइनस ये काम करेगा ये नहीं करेगा आप किस पे मिलेगी धारा डी वन कल नहीं मिलेगी अगली वाली सेमी वाली ऐसे ही मिलेगा कर अब मुझे आउटपुट चाहिए आउटपुट मिलेगा इधर आ जाओ मिल गया इधर आ जाओ मिल गया था अब पहले कैसी मिल रही थी एक चक्र मिलता था जीरो हो जाती थी एक चक्र मिलता था जीरो एक चक्र अब ये हर साइकिल पर आपको मिल रहा है मतलब आपका सारे के सारे चक्र आपको फुल साइकिल में मिल जाते हैं इसमें धारा जीरो नहीं मिलती मतलब हर कंडीशन में लोड पर धारा पहुंच रही है और उस वाले में एक छोड़कर एक पहुंच गई इसमें अगर पहुंच गई तो मतलब आपको एसी तो पूरी की पूरी मिल गई इसके अंदर अब इस एसी को आपको कन्वर्ट करना है डीसी के अंदर आगे समझ में बना दो
जब समय जीरो से टी बाई टू होगा, मतलब जीरो से टी बाई टू यहाँ तक, टी बाई टू से टी यहाँ तक, मैं जीरो से टी बाई टू की बात कर रही हूँ, तो मतलब आधे चक्र की बात कर रही हूँ, पॉजिटिव वाले की बात कर रही हूँ। आधे चक्र के लिए कौन सा डायोड होगा? डी वन, डी टू में से करंट नहीं जा रही थी, डी टू में से कौन सी करंट जा रही थी? आई टू, मतलब अर्ध चक्र के लिए आई टू की वैल्यू क्या है? जीरो। आई वन उसमें से करंट जा रही है, कितनी करंट जा रही है? आई बराबर क्या होता है? बी अपॉन आर।
बी किसका लेंगे? द्वितीय कुंडली का, क्योंकि द्वितीय कुंडली में से तो जा रही है धारा, अब तो द्वितीय कुंडली की बात हो रही है, बी एस अपॉन आर। आर किस किसका लेंगे? द्वितीय कुंडली का, डायोड का और लोड का, तो इसका मतलब तीनों आर एस अपॉन आर प्लस। बीएस की वैल्यू कितनी थी? आई वन करेंट कितनी जाती है? आई एम साइन आई टू करेंट की वैल्यू कौन सी जा रही है साइकिल? लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल जा रही है, उससे ज्यादा मिल रही है तो कैसी मिलेगी? नेगेटिव। बस इसका डिफरेंस होगा बात है सब। ये कंडीशन समझ में आ गई? देखिए इस तरह है, देखिए पूर्ण तरंग दिशाकारी है, तरंग दिशाकारी है, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत, ये वाली लिख देना VI बराबर EP sin omega t, VI बराबर EP sin omega t, प्राथमिक कुंडली में जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है कुंडली के दोनों सिरों ए व बी, दोनों सिरों ए व बी को पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड डी वन व डी टू जोड़ते हैं, D1 व D2 से जोड़ते हैं तथा D1 D2 के एंड टर्मिनल, तथा D1 D2 के एंड टर्मिनल परस्पर आपस में जुड़े होते हैं, इन डायोडों से मिलने वाली धारा, इन डायोडों से मिलने वाली धारा लोड आरएल पर प्राप्त होती है, लोड आरएल पर प्राप्त होती है, आरएल पर प्राप्त होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र के लिए, धनात्मक अर्धचक्र के लिए द्वितीय कुंडली का ए सिरा, द्वितीय कुंडली का ए सिरा धनात्मक, ए सिरा धनात्मक तथा बी सिरा ऋणात्मक होता है,
अभी से रंग ऋणात्मक होता। इस स्थिति में फर्स्ट वाइस हो जाता है। और इसके फलस्वरूप डायोड डीवन से आयरन धारा प्रवाहित होती है। इसके फलस्वरूप डायोड डीवन से आयरन धारा प्रवाहित होती है जो कि लोड आयरन पर पहुंचती है। D2 से जाने वाली धारा I2 का मान शून्य होता है। फिर पैराग्राफ चेंज करिए। ऋणात्मक अग्र चक्र के लिए अगले ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए तृतीय कुंडली का ए सिरा ऋणात्मक तथा बी सिरा धनात्मक होता है। डायोड डी टू में से धारा आई टू प्रवाहित हो जाती है। जो कि लोड आर एल पर पहुंचती है। तथा डी वन में से जाने वाली धारा आई वन शून्य होती है। नोट कर लीजिए। फिर ब्लैक बोर्ड पर लिखा देखो ये बात सुनो। धनात्मक अर्ध चक्र के लिए पहले वाले का जो कंडीशन लिखो आई वन आई टू धनात्मक अर्ध चक्र के लिए, नीचे वाली की आई वन आई टू लिखो तो लिखना ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए। तुम्हें तो पहले लिखवा चुके हो, अगर लिखना हो तो साइड ब्रैकेट में लिख लो याद रखने के लिए, अदरवाइज लिखना नहीं आर्टिकल के लिए। पहले लिखवा चुके हो आप, लिखना हो तो साइड में लिख लेना याद रखने।
आईएनजी वाली पता है ना, ईएम अपॉन आर प्लस आर एल। अब हमने आठ टॉपिक जो अर्ध तरंग में पढ़े, वही आठ टॉपिक आपको पूर्ण तरंग में पढ़ने। पहला कौन सा है? औसत मान है, चलिए वही टॉपिक का नाम डाल दीजिए, धारा तथा वोल्टता का औसत मान, वही टॉपिक डाल दो। वो सारे टॉपिक इसमें दोबारा करने हैं। औसत मान निकाल रही हूँ आईडीसी, क्योंकि आप रोड पर बात करोगे तो डीसी निकलेगी आईडीसी। पर फॉर्म उस दिन फॉर्म में बताती हूँ मैंने भरा फॉर्म की। लिमिट थोड़ी थी जीरो से टी बाई टू, टी बाई टू से टी, पर टी से टी बाई टू का कोई धारा नहीं होती थी तो हम कर देते थे जीरो। लेकिन यहाँ पर जीरो से टी बाई टू पर तो डायोड डी वन से धारा मिलती है, टी बाई टू से टी पर टी टू से धारा मिलती है, दोनों से धारा मिल रही है, तो आज इसमें जीरो नहीं होगा। कैसे करेंगे? जीरो से टी बाई लिमिट थोड़ी तो करंट जाएगी ये माइनस आई एम साइन ओमेगा टी है सेकंड के लिए, माइनस टी बाय टू से टी साइन ओमेगा टी। टी ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन लिमिट माइनस वाले अपर लिमिट टू मेगा, अपर लिमिट माइनस नो लिमिट टी की जगह टी बाई माइनस नो लिमिट कॉस माइनस माइनस इधर ही कर रही हूँ, देखते जाओ मेगा की जगह और क्या होता है
cos pi 1 cos pi minus 1 minus minus plus 1 1 2 हमने हाफ वेव पढ़ा था उसके अंदर आईडीसी निकला था वो निकला था आई एम अपॉन पाई फुल वेव पढ़ा तो उसका दुगना हो गया 2 आई एम अपॉन पाई आगे सुन से ईडीसी उसमें निकला था ई एम आर एल पाई आर प्लस आर एल हो गया ट्वाइस
मैं जितना कर लिया था उतना तो सबको आता होगा, इसलिए मैं दो चीज बता नहीं रही, यहाँ तक तो बताइए। अब इधर आ जाओ। अब कल तो हमने जोड़ा था जीरो से डी बाई टू, डी बाई टू से डी, डी बाई टू से डी जीरो था, जीरो से डी बाई टू छोड़ दिया। आज तोड़ूंगी जीरो से डी बाई टू, डी बाई टू से डी जीरो नहीं होगा, नहीं होगा। और यहाँ पर आई स्क्वायर चल रहा है, आई की वैल्यू तो सेम है, बस माइनस नहीं तो बड़ा क्या काम है। आई स्क्वायर चल रहा है, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आ जाएगी। अगर सेम आ जाएगी तो मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाती हूँ, तुमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है। जब मैं लिमिट तोड़ती हूँ तो यहाँ पर टू का इंटू करते हो, लिमिट एड करते हो जीरो से, अगर ए बाई टू करते हो तो आगे इंटू करते हो आप टू का, ये टू इंटू करा लगेगा। ये पढ़ी प्रॉपर्टी पढ़ी हो जाएगा आई स्क्वायर डी टी। अब आ रहे हैं सर, निकाल लिए टू और टू टी, आई एम साइन जाएगा टी, दोनों के लिए सेम है तो आई एम स्क्वायर बाहर आ जाएगा, जीरो से टी बाई टू पे क्या चलेगा आई स्क्वायर माइनस टी टी टी। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वन का टू तो आ रही है, टू तो कट जाएगा, वन का टी कॉस ओमेगा टी का रखेंगे टी बाई टू, ओमेगा खोलोगे ओमेगा टू पाई बाई टी, टी से टी कट जाएगा, टू से टू कट जाएगा, साइन माने टी जीरो, साइन जीरो जीरो, ये तो पूरा क्या बचेगा केवल टी बाई, समझ में आ गया जीरो कैसे हुआ, टी से टी कट गया, साइन स्क्वायर आ रहा है, साइन का आगे स्क्वायर आ रहा है,
Thank you.